अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम स्लीव के बॉटम पर डिज़ाइन बनाएंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने स्लीव की डिज़ाइनिंग के लिए पहले ही ये पट्टी बनाकर रख लिया है। जितने इंच की हमारी पट्टी होगी, हम उतने ही इंच का पेपर लेंगे और इसके ऊपर रख कर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। हाफ हाफ इंच का गैप में हम सिलाई लगाएंगे। एक साइड तो मैंने सिलाई लगा ली है, अब इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, मैंने पूरी पट्टी पे सिलाई लगा ली है। अब इसको स्लीव के साथ अटैच कर लेंगे। पहले हम स्लीव को सीधी साइड पे रख के डबल फोल्ड करेंगे। ये हमारी सीधी साइड है। ये देखें, मैंने स्लीव के साथ अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव के सीधी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब इस साइड पे भी हम एक पट्टी लगा लेंगे। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से उतनी चौड़ी पट्टी ले लें। मैंने दोनों साइडों पे सिलाई लगा लिया है। इसके बीच में जो पेपर है, हम उसे निकाल लेंगे। अब हम इसके बॉटम की डिज़ाइनिंग करेंगे। हाफ सर्कल मैंने पहले ही काट के रख लिया है। अब इसको पेस्टिंग पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। हमारे स्लीव के लिए जितनी पीस चाहिए, हम उतनी पीस ड्रॉ करेंगे। ये देखें, मैंने सारे पीस काट लिए हैं। हम एक कपड़े की पट्टी लेंगे और उसकी उल्टी साइड रखेंगे। और इसके ऊपर इस तरह से रखकर आयरन कर लेंगे। आयरन करके मैंने इसको बैठा लिया है। अब एक दूसरी पट्टी लेंगे और दोनों की साइड सीधी रखेंगे। अब इस सर्कल के किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने सारे में सिलाई लगा लिए हैं। अब उसको अलग कर लेंगे। अब एक पैर की मार्जिन रखकर हम इसको काट लेंगे। हम इसे सीधी साइड पे पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद इसके ऊपर आयरन कर लेंगे।
अब इसको हम स्लीव के बॉटम के साथ अटैच कर लेंगे। स्लीव के सीधी साइड पे रख के हम इसे सिलाई लगाएंगे और हाफ इंच छोड़ देंगे। मैंने सारे सिलाई लगा लिए हैं। अब 2 इंच की एक और पट्टी लेंगे। अब इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा लेंगे। अब पट्टी के बैक साइड को भी फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी स्लीव की बैक साइड पे भी फिनिशिंग आए। ये देखें हमारी बैक साइड पे भी कितनी अच्छी फिनिशिंग है। टू बाई टू इंचेस की फैब्रिक लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। पहले दोनों कॉर्नर्स को मिलाएंगे। हम इस तरह से फोल्ड करके हम इसको आयरन कर लेंगे। हम इसे स्लीव की सीधी साइड पे रखेंगे कटवर्क के ऊपर और इस तरह से हम इसके तीनों साइड पे सिलाई लगा देंगे। हम एक और पट्टी लेंगे और ये तीन निशान जो आप देख रहे हैं हम इसमें पिंटक डालेंगे। अभी हम इस स्लीव के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। ये देखें हमारी स्लीव की फाइनल लुक। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज़ बाकी है। ये इस साइड पे मैंने पट्टी अभी नहीं लगाई है। अब एक और पट्टी लेंगे और इसे इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। मुझे उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।